हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह का काम मैंने शुरू कर दिया है और साथ में अपनी वीडियो भी स्टार्ट कर दी है। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज अपना रूटीन शेयर किया है क्योंकि उससे पहले तो शादी में ही बिजी थे। तो चलिए आज मैं मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ वीडियो पे बने रहिएगा। और एक साइड तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी क्योंकि वैश्वर के पापा जाएंगे काम पे, और दूसरी साइड में क्लीनिंग का भी काम कर रही हूँ। निधि और वंशी का जा चुके हैं स्कूल का, वो सुबह को 7 बजे निकल जाते हैं। तो बस पहले यहाँ को थोड़ा संगवा देती हूँ, उसके बाद फिर सब्जी मैंने छोड़ती है। तोरी की सब्जी मैं बना रही हूँ और अंकित अभी उठाए सूखे, उसको चाय दी है मैंने। तो जब तक मैं ये अपना बिस्तर वगैरह हटा देती हूँ, गीता वगैरह लगा देती हूँ और उसके बाद उसके पापा नहा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं रोटी सेक दूँगी। तो बस ऐसे ही होता है मेरा सुबह का रूटीन, सब एडजस्ट करना पड़ता है। सुबह को काफ़ी काम होता है तो पहले एक क्लीनिंग का काम भी ज़रूरी होता है और खाने पीने का भी तो बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है। और निधि वंशिका का स्कूल लगा हुआ है, नहीं तो वो भी मेरी हेल्प कर देती थी जब उनकी छुट्टियाँ थी। अभी तो ये देखिए सब्जी मेरी बन चुकी है, तोरी आलू बनाए हैं मैंने और आज मैंने खुली सब्जी बनाई थी कढ़ाई में। काफ़ी टाइम हो गया है मैंने कढ़ाई में खुली सब्जी नहीं बनाई है, कुकर में ही बना देती हूँ जल्दी में। आज टाइम था तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में बना देती हूँ। शाम को कचौड़ी बनाई थी, उससे मैं तेल रखा था कढ़ाई में तो मैंने उसी में बना दी। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 11 बज रहे हैं और निधि स्कूल से आ चुकी है। हाँ 11 बजे छुट्टी हो जाती है बच्चों की, पूरा टाइम स्कूल नहीं लगता। और वंशिका भी बिल्कुल अभी आई है निधि से 5 मिनट पहले, क्योंकि वंशिका का थोड़ा पास में तो वो 5 मिनट पहले जाती है, निधि का थोड़ा दूर है तो वो 5 मिनट लेट हो जाती है। तो दोनों बहनें भी बैठी हैं बात कर रही हैं। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, आते ही साथ ही पहले कूलर ही चलाती हैं, उसके बाद पसीने सुखा के फिर ड्रेस बदलेंगे। और आज वंशिका का प्रोग्राम है, जो वंशिका डांस क्लास जाती है वहाँ से इनका कोई प्रोग्राम है। ये जो बुद्ध पूर्णिमा आई थी तब का वीडियो है ये। तो पेरेंट्स को भी बुलाया है, वहीं पे आए हैं, शाम का टाइम है ये, शाम के टाइम आए हैं। उन्होंने बोला था कि 7-8 बजे आ जाना, वंशिका तो चली गई थी 4 बजे ही अपने ग्रुप के साथ और हम अभी आए हैं। तो काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, ये बुद्ध पूर्णिमा का प्रोग्राम था जो इन्होंने रखा था यहाँ पे। और एक ऐप था कोई, मैं आगे आपको बताऊँगी वीडियो में वो कौन सा ऐप था, उस ऐप के जरिए ये प्रोग्राम हुआ था और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। दूर दूर से लोग आए थे और वंशिका से हम मिले हैं आके। तो ये जो टी शर्ट है ये इन्होंने ही दी है उस ऐप के जरिए, उस ऐप का नाम लिखा हुआ है इस टी शर्ट पे, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, एम से कुछ करके है। तो बस इन्हीं की शर्ट से ये प्रोग्राम हो रहा है। काफ़ी दूर दूर से पंजाब दिल्ली मुंबई दूर दूर से लोग भाग यहाँ पे भाग लेने आए हुए हैं और वंशिका और का भी प्रोग्राम है यहाँ पे। एक तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और सिंगर जैसे गानों का चादर थे, ये लड़की थी सिंगर थी, काफ़ी अच्छा गा रही थी। तो रोशनी था इसका नाम और काफ़ी अच्छी आवाज़ थी इसकी। एक लड़का था पंजाब से आया हुआ था, इनका दोनों का कंपटीशन था। तो इस लड़की के बाद है वंशिका और के प्रोग्राम का नंबर, तो मैं दिखाती हूँ। इन्होंने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। I'm not afraid to die.
नई सदी, नया शहर, नए विचार, दीन के कदम बढ़े, पानी शिक्षा और ज्ञान, जोरदार तालियां, भेदभाव और असमानता का नहीं छूटा है। शिक्षित होना होगा, एक झूठ होना होगा, हमें संघर्ष करना होगा गुलामी के इन संजीवों को तोड़ने में। क्या आप मेरा साथ दोगे? आप दोगे? तो पक्षी का और का था भीमराव जी के ऊपर था कोई प्रोग्राम जो ये काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे, 2 हफ्ते से पहले ये तैयारी कर रहे थे इस प्रोग्राम की, जो काफ़ी इन्होंने मेहनत करी थी। और उसके बाद इनका एक प्रोग्राम और है, 2 प्रोग्राम किए थे इन्होंने यहाँ पे, और जो जिनके अच्छे थे, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, इनाम मिल रहा था, सिल्ड वगैरह सब कुछ मिला था, वर्षिका को भी मिला था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बच्चों को बाहर निकलना ज़रूरी है, तभी वो समझते हैं दुनियादारी और दुनिया को देखें, तो हम जैसों को भी तभी पता चलता है कि भाई हाँ क्या है, क्या हो रहा है, घर में ही बैठे रहेंगे तो कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो जिन जो दूर दूर से लोग आए थे, सभी को ज़्यादातर यहाँ पे उत्साहित किया गया था और इनाम भी दिया गया था लोगों को, तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। और अभी वंशकाल का ये 2रा प्रोग्राम है जिसमें इन्होंने ड्रेस चेंज कर ली है और अभी इनकी प्रैक्टिस जारी है। एक बार फिर से वंशिका आई थी मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, प्रोग्राम चल ही रहा है, काफ़ी टाइम हो रहा है, पूरी रात ही हो गई है, 11:30 बज रहे हैं अभी, और अभी प्रोग्राम ख़त्म होने का कोई भी नाम नहीं है क्योंकि दूर दूर से लोग बाग आए हुए हैं, लेकिन मन भी लगा हुआ है अच्छा खासा क्योंकि अच्छे अच्छे प्रोग्राम हो रहे थे। और ये जो गलबंदी हो रही थी 2 सिंगरों में, जो ये एक लड़का था पंजाब से आया था, ये लड़की दिल्ली से थी, इनकी जो गलबंदी वाला कॉम्पिटिशन चल रहा था, तो इसमें लड़की जीती थी और लड़की को मिले था, उसके सर पे पगड़ी पहनाई गई थी और अच्छा अच्छा प्रोग्राम था। यहाँ पे वंशिका और को मिला हुआ मिला है इनाम, तो उनके नाम से ही उनका ये बनवाया गया है, जो ये इनको मिल रहा है इनका नाम लिखा हुआ है। और ये है इनका डांस के ऊपर जो प्रोग्राम किया था उसके ऊपर है ये इनका, तो काफ़ी अच्छा लगा। गए हैं तो कुछ लेके भी आए हैं, बाहर जाने का मतलब भी यही होता है कि बच्चों को अगर थोड़ा सा भी कुछ मिले तो बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है माँ बाप को। तो अगर बच्चा कहीं जाए और वहाँ से सीख जाए तो माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। और यहाँ पे सब दिवस लास्ट चल रहा है यहाँ पे प्रोग्राम का, और जो भी जितने भी आए हुए हैं जिनका अच्छे प्रोग्राम थे, डिस्क्वालीफाई भी बहुत लोग हुए थे, ये नहीं है कि सभी को मिला था, जिन्होंने अच्छा किया था उन्हीं को मिला था। और यही था आज का प्रोग्राम, इस वीडियो का मैं यही पेंड करूँगी, मिलते हैं कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय बाय।